तो बच्चों जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो इस टाइप की कंडीशन है जहां पर आपका जो फोर्स है वो किसी किसी जनरलाइज्ड पोटेंशियल या फिर किसी ऐसे फंक्शन पर डिपेंड करता है जो कि आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये वाला केस सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका जो चार्ज हो वो मूव कर रहा हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। मेरे ख्याल से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिया था पहले, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब आपका मूव कर रहा हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ऐसा फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे फील्ड की कंडीशन आपकी ये होती है कि जो आपका कर्ल भी होता है वो जीरो होता है, ठीक है, और सॉरी जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ बी होता है वो जीरो के इक्वल होता है, और कर्ल ई वेक्टर प्लस डीबी बाई डीटी जो होता है वो आपका, ठीक है, वो आपका किसके इक्वल होता है, वो आपका जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखना, जहां पर ई और बी आपका क्या है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी आपका क्या है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और बी आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है। अब देखो, अब द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू, अब देखो जो आपका फोर्स होगा, जो आपका अगर जो चार्ज होगा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होगा, अब उस पर अगर मैं फोर्स की बात करूं तो उसमें फोर्स क्या क्या कौन कौन लगा रहा होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स अपना लगा रहा होगा, और कौन सा फील्ड लगा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी तो अपना फोर्स लगा रहा होगा। तो जाओ बच्चों अपना आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है तो टोटल फोर्स इस पे कितना लगा होगा भाई, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये वाला जो टोटल फोर्स निकल कर आएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज आपके चार्ज क्यू अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई में होता है तो आप पे उस पे फोर्स कितना लगता है, क्यू ई तो लगता है, क्यू ई उस पे फोर्स लगता है प्लस, और अगर आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पे फोर्स कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा लगता है ना, क्यू वी बी साइन थीटा। यानी अगर मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मैं क्यू कॉमन ले लूं, इसको मैं माफ कर देता हूं हल्का सा, ठीक है, यानी जो आपका एफ है क्यू कॉमन लिया, ई वेक्टर प्लस प्लस प्लस, अब साइन थीटा आएंगे तो क्या जाएगा, क्रॉस का साइन आएगा, यानी वी इंटू बी, यह आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा मैंने अभी क्या समझाया है आपको, ठीक है भाई। जो टोटल फोर्स होगा वो किस किस पे डिपेंड होगा, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज पर, जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू चार्ज पर फोर्स लगाता है तो वो आपका फॉर्मूला किससे आता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पर अगर फोर्स लगाता है तो वो किससे निकालते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू उसका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा जो कि एंगल होता है बी और बी के बीच में, तो साइन थीटा आएंगे तो बीच में क्रॉस आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स। अब क्योंकि क्योंकि जो आपका डाइवर्जेंस ऑफ बी है वो जीरो के इक्वल है, किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, यानी अगर मैं बी अगर यानी जो आपका बी है वो किसी एक किसी वेक्टर पोटेंशियल के इक्वल होगा 101%। या आप अपने सेमेस्टर वन में भी पढ़कर आए होंगे बच्चों, सेमेस्टर वन में आई थिंक आपने पढ़ा होगा या सेमेस्टर टू में, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में अपने पढ़ के आए होंगे कि जब भी आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जीरो के इक्वल होता है तो वो जो आपका वेक्टर होता है जिसका आपने डाइवर्जेंस निकाला होता है वो वेक्टर आपका किसी किसी अदर पोटेंशियल के कर्ल के इक्वल होता है। यानी जो आपका बी वेक्टर है वो आपका कर्ल ऑफ ए वेक्टर के इक्वल है, और आपका ए वेक्टर क्या है, वह आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, क्या है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। जो आपका बी आएगा वो क्या आएगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। तो जब मैं इस वैल्यू को इधर पुट करूंगा, इसको टू मान लो, तो जब मैं इसको इस वैल्यू को इधर पुट करूंगा, ठीक है, तो बच्चों क्या क्या चेंजेस आएंगे उस पर चलते हैं, ठीक है भाई, क्या क्या चेंजेस आएंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है,
उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, चलो पहले पहले मैं आपको पहले ये करते हैं ठीक है। चले तो जब मैं इस वाली इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करूंगा, लिख देना बाय पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा कर्ल फैक्टर ए, ठीक है, एक सेकंड, कर्ल ऑफ फैक्टर ई इक्वल्स प्लस क्या? अरे अरे, आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका? वैसे अलग मैंने टाइम दिया था, ऊपर मैंने इतना कुछ लिखा नहीं था ठीक है, यहां पर बस एक इतनी सी चीज थी ठीक है, ये आपकी मैक्सवेल वो है। हल्का सा बैक करके आप बच्चों ट्राई करना कि ऊपर का दिख जाए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इससे नीचे का, ये आपको क्लियर दिखना चाहिए ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका ठीक है। चलते हैं आप, तो मैं क्या कर रहा था, मैं वैल्यू पुट कर रहा था ये वाली इसमें ठीक है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, कर्ल ऑफ ई वेक्टर प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो ठीक है। यानी अगर मैं इसमें से तो ये किसका निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई टी इक्वल्स टू जीरो के। यानी आप बच्चों आपको एक चीज बता दूं मैं, जैसे क्या होता है, जैसे जब आपका डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो के इक्वल आता है, तो वो जो आपका जो वेक्टर होता है वो आपका कर्ल ऑफ किसी अनदर स्केलर वेक्टर के इक्वल आता है। सिमिलरली जब आपका कर्ल किसी भी वेक्टर का, क्योंकि ये इसका रिजल्ट वेक्टर ही निकल के आना है, जब भी आपका कर्ल किसी भी वेक्टर का जीरो के इक्वल होता है, तो वो जो आपका कर्ल होता है, वो जो आपका वेक्टर होता है, वो डाइवर्जेंस ऑफ ठीक है सॉरी वो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल ठीक है। यानी मैं कोई अपना फाई स्केलर पोटेंशियल मान लूंगा, क्या मान लूंगा, फाई में अपने स्केलर पोटेंशियल मान लूंगा ठीक है। तो सिंस ठीक है सिंस इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है, क्योंकि ये आपका जीरो के इक्वल है, हेंस जो आपका ये है ई वेक्टर प्लस ठीक है, ये किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फाई। यानी जो आपका ये है ई वेक्टर प्लस ये आपका इस तरीके से आ जाएगा ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा ये मैंने कहा क्या है ठीक है। तो यहां से आपका ये जो ई वेक्टर प्लस डी ए बाई डी टी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के, और आपका E किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, फाई माइनस यही आ जाएगा। अब मैं इसको वापस से उस इक्वेशन में पुट करूंगा, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, क्या करूंगा वापस से इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, जो मेरी ये E वेक्टर की वैल्यू निकल कर आई है ये मैं वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा ठीक है बच्चों।
समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो। अरे ये नहीं आएगा इधर, ये इधर आएगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो, हल्का सा गलत हो गया था, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं इसमें ये पुट करूंगा वैल्यूज, अच्छा ये ऑफ, ये माइनस के ग्रेड्स की कॉल आता है, माइनस आएगा, छोटे एरर्स हो गए मतलब, यहां भी माइनस आएगा, ठीक है? चलें, पुट करो। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा आपका, कोई डाउट? ठीक है, अच्छा याद करो, मैंने आपको भी आपकी फोर्स करवाई थी ना, फोर्स, टोटल फोर्स किसके इक्वल आई थी? क्यू ई प्लस, क्यू ई प्लस, ये तो जीरो ही आ जाएगा ना, इसको नहीं करते, हल्का सा एक स्टेप बैक जाएंगे, थोड़ा इजी बनाएंगे कि, अब मुझे नहीं पता आपके में कौन सी इक्वेशन आपने डाली थी, सो डायरेक्ट लिख दो, पुट द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो भी ये ई की वैल्यू निकल के आई थी, ठीक है? मैं बिल्कुल स्टार्ट से करवाता हूं, आपकी ई की वैल्यू क्या आई है? माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस बाय डीटी, ठीक है? यानी यानी क्या, यानी आप पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, जहां पर जो आपका फोर्स था वो किसके इक्वल आया था? ई प्लस वी क्रॉस बी के, है ना? और आपकी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू, वैल्यू पुट करो, माइनस फाई dt प्लस v क्रॉस b, किसके इक्वल है आपका, b आपका किसके इक्वल है, इसके तो इक्वल है ना? चले अब देखो हम क्या कहेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको सॉल्व करने जाऊंगा तो काफी लंबा बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, खाली एक कंपोनेंट ले लेंगे, x कंपोनेंट, ठीक है? फॉर कन्वीनियंस, For convenience, we will take only the x component. So, तो जो इसका x component होगा वो क्या होगा? भाई इसका जो x component होगा वो किसके इक्वल होगा? Gradient है ना ये, तो किसके इक्वल होगा? इक्वल ही तो होगा। और अब पहले एक बार इसे सोल्व करते हैं, यानी v क्रॉस a वेक्टर, इसका जो x कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये आपका इक्वल होगा v y, ठीक है? क्योंकि x कंपोनेंट ले रहे हैं, ये आपका इक्वल होगा v y, कर ली az by curly vx minus curly, ठीक है? curly यहां पे y आएगा, यस गलती, ठीक है? y curly
एक बार मैं इसका चेक कर लेता हूं ना, कोई मिस्टेक ना हो जाए। वाई हाँ बिल्कुल मेरा सही है, ठीक है वाई हाँ ठीक है। कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स आ गया वाई, और ठीक है इसके इक्वल आएगा माइनस वी जेड कर्ली ए जेड बाय, मैं इसको ढंग से लिख ही देता हूं, कर्ली ए एक्स आएगा आपका, कर्ली ए एक्स ठीक है, यहां पे इक्वल आएगा कर्ली ए एक्स बाय कर्ली जेड माइनस कर्ली ए जेड बाय कर्ली एक्स के। इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो आपका इसके इक्वल आएगा, ठीक है। किस तरीके से, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, खाली इसका अगर हम डिटरमिनेंट जो निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो एक्स कॉम्पोनेंट इस तरीके का, ये मैं आपका, अगर आपको इसका जानना है कि इसका किस, इसका जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से होगा, तो बच्चों मैंने आप जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैंने इसका डेरिवेशन, इस टाइप का डेरिवेशन करवाया है। तो जिन बच्चों को भी डाउट हो वो बच्चे मेरी उस सीरीज उस वाली वीडियो पर जाएं, प्लेलिस्ट में आ जाएगी आपको सेमेस्टर वन की, और उसमें मैं आपको उसका चैप्टर करवा रहा हूँ डाइवर्जेंस कर्लेंट ग्रेडियंट, तो वहां पर मैं इसका डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो उस वाले वीडियो में देख लेना किस तरीके से मैं इसका कंपोनेंट लेकर आया हूँ। चलो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो।